हूँ तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज 24। यहाँ पर हो रहा है व्हाट अ किस्मत का ट्रेलर लॉन्च। जी हाँ, हम यहाँ पर स्टार कास्ट से मिलने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको इसका ट्रेलर दिखाने वाले हैं जो 1 मार्च को थिएटर पर रिलीज होने वाली है। हम आपको प्रेस मीट भी मिलाएंगे और इस पिक्चर के बारे में भी बताएंगे कि व्हाट अ किस्मत बहुत ही जल्दी आप थिएटर पर देख पाएंगे इसको 1 मार्च को। चलिए सीधा चलते हैं प्रेस मीट में और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं स्टार कास्ट इस फिल्म के बारे में। धत्तरी की किस्मत तेरी फूटी हुई है, धत्तरी की किस्मत तेरी फूटी हुई है। सबसे पहले मैं आप सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार देना चाहूंगा और थैंक यू सो मच आप सभी यहाँ पधारे हमारी मेहनत को देखने के लिए, इसे सराहने के लिए, और थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने पूछा मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं 19 साल की उम्र से इस फील्ड में आ गया था। मुझे 20 साल का थिएटर का तजुर्बा है। मैं नादिर ज़हीर बबर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एकजुट थिएटर ग्रुप के साथ 2003 से। इसके अलावा और भी 2-3 ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। बीच में मैं दुबई रहा, एक बॉलीवुड डांस ड्रामा था जाने जिगर, आपने सुना होगा, विस क्राफ्ट का था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे रोल निभाए। और इसके अलावा मुझे मारवा स्टूडियो है फिल्म सिटी नोएडा में, वहाँ पर मुझे जो 3 महीने का कोर्स होता है वहाँ पर मुझे अपना जो भी मैंने सीखा था वॉइसिंग से, अपने थिएटर से, वो सब मुझे शेयर करने का मौका मिला। वो 3 महीने का कोर्स मैं ही संभाल रहा था वहाँ पे। जो भी हमारे युवा कलाकार आते हैं उनकी स्पीच पे काम करना या उनमें जो भी थोड़ी बहुत जो रवा करते हैं हम अपने इस हुनर को, और ये क्राफ्ट है। ये देखिए, बोलते हैं कि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता है, तो बस यही है, इसको हमने मांझा और मैं लगातार मांझ रहा हूँ। और हाँ, मैं वॉइस ओवर्स, कार्टून्स, रेडियो सब करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। नहीं होना तो चाहिए बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक जो सारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं मूवीज़ में, मूवीज़ बन ही नहीं सकते अगर फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। आप एक्सेसरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी हमारा प्रोग्रेस भी काफ़ी हुआ है ओवर द ईयर्स की जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा औरतों के भी कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अभी बस स्क्रीन पे आके चाहे आइटम सॉन्ग कह लो या जस्ट एज एन एक्सेसरी या जस्ट एज आई कैंडी, जो अभी नहीं हो रहा है। अभी वी आर मूविंग मोर टूवर्ड्स सब्सटेंस, मोर वुमेन नीड टू बी रिप्रेजेंटेड। और इस यहाँ पे हमारे 2 फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं दोनों बहुत अलग है और दोनों बहुत रियल है। ऐसे हम सब होते हैं, औरतें होती हैं ऐसी जिनको उतना स्क्रीन टाइम देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बहुत खुश थी जब मैंने अपना कैरेक्टर सुना। जैसे सर ने भी बताया, बहुत रियल कैरेक्टर है आरती का, जो उसके भी एम्बिशंस है, उसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में। शी जस्ट वॉन्ट्स टू हैव अ गुड लाइफ, शी वॉन्ट्स टू हैव अ गुड पार्टनर, वो काम करना चाहती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है। अब उसके साथ आगे जो भी होता है इसकी वजह से, वो तो बहुत तबाही वाला एक सीन है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिक द फाउंडेशन ऑफ द कैरेक्टर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। शी वॉज एम्बिशियस, हर इंडिविजुअल एवरी कैरेक्टरिस्टिक दैट शी हैज़ इज वर्थ मैंशनिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस रोल एंड आई हैव क्रेव्ड टू डू समथिंग लाइक दिस ऑल माई लाइफ। सात वैष्णवी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, व्हाट अ किस्मत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम आप? बहुत ही एक्साइटिंग दिन है आज का। हम लोग काफ़ी महीनों से वेट कर रहे हैं कि कब आएगी, इंतज़ार। फाइनली पोस्टर देख के, ट्रेलर देख के इतना मज़ा आया है आज मुझे, बहुत एक्साइटेड। मैम, ट्रेलर में देखने के बाद तो हम बहुत ही एक्साइटेड हुए। हमने 2 गाना सुना, व्हाट अ किस्मत और व्हाट अ किस्मत, इसका क्या मतलब बताएंगे? वो अलग अलग फेजेस है चंदू के लाइफ के और चंदू की वजह से मेरी लाइफ के, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। कैसे उनकी किस्मत बहुत ही ख़राब पहले होती है और फिर इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस, उसके बाद बहुत तहलका मच जाता है। अच्छा भी है, कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी शॉकिंग भी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, 1 मार्च को ये रिलीज़ हो रही है, कितना एक्साइटेड हो आप? मैं बहुत एक्साइटेड, हर बार मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे फील आ जाता है कि बस अब आ ही रही है थिएटर्स में, और थिएटर्स में आ रही है गाइस। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता को?
प्लीज देखिए जाके, जब भी आपको मौका मिले, आपके पास जो भी थिएटर हो जहाँ पे वाटर किस्मत प्ले हो रही है, आपको पक्का मजा आएगा. आई डू नॉट डाउट इट एट ऑल. एंड यहाँ वाटर किस्मत के ट्रेलर पे और हमारे साथ यहाँ पे इसके लीड कैरेक्टर हैं जी, हम उनसे जानना चाहेंगे सर वाटर किस्मत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक को. जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जब इंसान की किस्मत खराब हो तो कहते हैं कि ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है. तो बिल्कुल ये वही कहानी है कि किस तरीके से आपकी जब किस्मत है, आप चले जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, आप आजमाते हैं, लेकिन जैसे आप सोने को भी छूते हैं तो वो पत्थर बन जाता है, लेकिन जब किस्मत पलटती है तो आप पत्थर पर भी आ जाएंगे तो सोना हो जाता है. बिल्कुल सर, 1 मार्च को ये रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे मैं जनता को? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही प्यारी फिल्म है और इन्होंने बताया मैं इसका हीरो हूं, नहीं, असली हीरो होता है फिल्म की कहानी. तो आप सभी से गुजारिश है, आप लोग जाकर इस फिल्म का लुत्फ उठाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, उसके बाद OTT पे भी आएगी, तो वो आप देखिए और खूब मजा आएगा आपको. आपने एक्ट्रेस सुन लिया, अब हम फिल्म के डायरेक्टर से बात करेंगे. सर व्हाट अ किस्मत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस व्हाट अ किस्मत, और हम भी सोच रहे हैं कि जिस तरह से चंदू की किस्मत फूटी किस्मत से बड़े किस्मत तक गई, आई होप कि ये भी आप लोग बड़े किस्मत करके पहुंचा दें ऊपर. बिल्कुल सर, 1 तारीख को 1 मार्च को ये थिएटर में आने वाला है, कितना एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा, बहुत मुशक्कत हुई है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत कोशिशें की. इट वॉज नेवर ईजी, एक छोटी फिल्म को थिएटर तक पहुँचाना बहुत मुश्किल था, बट हम हमेशा कहते हैं वेरी ब्लेस्ड, इतने लोगों का साथ रहा है, इतने लोगों ने इतने प्यार से साथ दिया है, बस बहुत एक्साइटेड है एंड कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड यार सब अच्छा. सर आई नो आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप अपने प्रोजेक्ट पे जान लगा देते हैं, वो दिखता है, हमने देखा है आपके वर्क को. क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता को जो आपको 1 मार्च को देखने वाली है थिएटर पे? ज़रूर देखिए, सबसे पहला तो यही कहेंगे कि ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि देखेंगे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, निराशा बिल्कुल नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत प्यारी सी फिल्म है, बहुत हर 10 मिनट के बाद में कुछ ना कुछ फिल्म में नया होता जा रहा है, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कम होगा ही नहीं. और इवन फिल्म के आखिर में जा करके जब आपको लगेगा कि अच्छा फिल्म ख़त्म हो गई है, रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है. बिल्कुल सर, आप अपनी कहानी में कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं, हम चाहेंगे कि आपकी 1 तारीख को पिक्चर सुपरहिट हो जाए, हम ब्लेसिंग करते हैं आपको. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. धत्तरी की किस्मत तेरी फूटी हुई है, हाँ धत्तरी की किस्मत तेरी फूटी हुई है.